हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें पुलिस के कॉन्सेप्ट को बताए थे। पुली पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे और कांस्टेंट इक्वेशन मोशन पे हम लोग फिर वर्क करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। ये जो सेशंस चल रहे हैं, ये जो वीडियोज़ हैं NLM के, आप देखोगे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप जो भी बुक लगा रहे होगे वो इन टेक्निक से इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप देखोगे तो। अब देखो, जैसे कि कल हमने बोला था पुलिस में नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। तो जैसे आपका ये पुली है, ठीक है, ये ऊपर गया, इसको हमने फिक्स कर दिया। इस पुली से एक मास इधर की तरफ लटका है, एक मास ये और फिर एक मास ये। हमने कल भी बोला था 4 kg, 2 kg एंड 1 kg, ठीक है। हमने कल भी क्वेश्चन में, हाँ, 4, 6 नहीं, क्वेश्चन में इधर दिया। देखिए, ये जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। 4, 6 एंड 2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छी से बुक्स में आपको मिल जाएगा, कई बुक्स में है भी ऐसा। और हम लोगों ने कल देखा था कि रस्सी था, बीच में मास नहीं था, तो टेंशन सेम था। अब इसमें मल्टीपल टेंशन है, ये टाइप ऑफ मल्टीपल टेंशन, ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ मल्टीपल टेंशन का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, ये जो रस्सी में, इसमें अगर टेंशन T1 है तो इधर से होते हुए पुली तो मासलेस है, इधर की तरफ आ रहा है, और ये टेंशन मान लेते हैं T2। हमें बोल रहा है कि टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बोला है, टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला टेक्निक लगा लीजिए नेट पुलिंग फोर्स का। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या, इधर की तरफ कितना है और इधर की तरफ कितना है, कहीं भी प्लस मान लीजिए तो ज्यादातर जिधर मास ज्यादा होता है, जिधर मास मैक्सिमम होता है उधर हम लोग ज्यादा मानते हैं। तो मास मैक्सिमम यह इधर की तरफ और मिनिमम यहाँ पे, तो इधर की तरफ हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। जिधर मास ज्यादा उधर पॉजिटिव और जिधर कम उधर नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 6, 4, 10, 10 kg और इधर तरफ 2 kg। तो 10 kg पे, 10 kg मास पे, इसको एक सिंगल मास कंसीडर कीजिए, 10 kg मास पे जो इधर तरफ पुलिंग फोर्स लगेगा वो क्या, ग्रेविटेशन के वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से, चाहे ये टेंशन हो चाहे ये टेंशन हो, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये टेंशन होगा ही नहीं। तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी 10g और इधर कितना लगेगा, 2g। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा आपका 10g, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 10g और ये आपका माइनस 2g, ये आपका आएगा 8g यानी कि 80 न्यूटन। ये तो क्या नेट पुलिंग फोर्स। एक्सेलरेशन हम जानते हैं, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, 4, 6, 10, 10 to 12। तो ये आपका हो गया 12, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 20/3 m/s². आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है। अब देखिए कितना आसान है टेंशन फाइंड करना। इसके लिए अगर FBD बनाते हैं तो ऊपर T1 और नीचे MG, चलाने वाला फोर्स T1, तो T1 माइनस MG इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन इसका वही इसका वही इसका, अगर एक ही रस्सी से मासे जुड़ी हो और इनएक्सटेंसिबल हो तो, ये हम आपसे बोलते हैं, तो वही हुआ। अब देखिए T1 माइनस MG यानी कि 20 इज इक्वल टू 2 और एक ही जगह पे 20 × 3। अब देखिए ये आपका हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 40/3 + 20, ठीक है, 40/3 + 20। तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट ये 60 और 100/3 newtons, ये आपका हो गया T1, ठीक है। अब T2 ढूंढना है, तो T2 यानी कि ये T1 ही यहाँ से यहाँ तक है। अब इस T2 की बात में, T2 और आसान है, T2 के लिए ये देखिए इधर की तरफ आ जाइए, इसका FBD बना देते हैं। ऊपर T2 और नीचे क्या है, MG, चलाने वाला फोर्स क्या होगा, MG, ठीक है, चलाने वाला फोर्स MG होगा, MG को जैसे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका MG यानी कि 60 - T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 6 × 20/3। तो T2 इधर आएगा और ये इधर जाएगा, यानी 60 माइनस आपको क्या कर देना है,
ये देखिए क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू टी टू, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 न्यूटन। टी टू की वैल्यू, टेंशन जो हो जाएगा वो आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टफ टफ क्वेश्चन है जिनको हम लोग इजिली आसान तरीकों से इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो इजिली अपना सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्स्टेंट इक्वेशन मोशन, कॉन्स्टेंट इक्वेशन मोशन एक टूल का काम करता है। कई जगह बताया जाता है, कई जगह नहीं बताया जाता है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ऐसा नहीं, देखो एनसीईआरटी में ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कभी किसी एग्जांपल में मिल जाएगा, तो कभी किसी एडिशनल क्वेश्चन में मिल जाएगा, कभी किसी एक्सरसाइज में मिल जाएगा, कभी हो सकता है एडिशनल एग्जांपल्स में या एडिशनल एक्सरसाइज जो होता है उसमें मिल जाएगा। पर उन्हीं चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉडली अच्छे से समझाया जा रहा है आपको। हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएँ, हो सकता है आपके होम एग्जाम जो स्कूल का एग्जामिनेशन है उसमें आ जाए। तो अब इसके बाद जो लोग पढ़ेंगे वो कॉन्स्टेंट इक्वेशन मोशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट इक्वेशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट इक्वेशन जो होता है इट इज यूजली यूज्ड टू रिलेट द एक्सेलरेशन ऑफ वन ब्लॉक विद अनदर ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ वन पुली विद अनदर पुली। जो एक से ज्यादा मूविंग अगर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो एस्टेब्लिश हम लोग किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट इक्वेशन से करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जैसे देखिए बहुत आसान है कॉन्स्टेंट को समझना, आप लोग इसके बाद समझ जाओगे। जैसे ये ब्लॉक आपका M1 है और ये M2 है और ये पुली है जो कि फिक्स्ड है, मासलेस है। इसका एक्सेलरेशन अगर A डाउनवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर A डाउनवर्ड होगा तो फिर इसका एक्सेलरेशन A अपवर्ड होगा। देखिए बेसिकली एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, पर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो आप देखो कॉन्स्टेंट से इजीली निकाल सकते हो। कैसे, वही बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक बात ये देखा जाता है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है माइंड में लेके चलिए कॉन्स्टेंट। अगर इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को आप x1 लेते हो और यहाँ से यहाँ तक आप अगर x2 लेते हो, तो M1 और M2 के बीच में चाहे कोई भी अप या डाउन साइड जाए, इन दोनों कंडीशन में ये रस्सी की लेंथ कभी नहीं बदलने वाली है। तो रस्सी की लेंथ नहीं बदलने वाली है, कॉन्स्टेंट रहने वाली है। यानी कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू मान लेते हैं L जो कि कॉन्स्टेंट होगा। डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के हिसाब से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, ये तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे V1 और V2 के बीच में रिलेशन क्या मिल जा रहा है, V1 इज इक्वल टू माइनस V2। देखिए जो चीज़ आप देख रहे हैं वो मैथमेटिकली हमने इक्वेशन के हिसाब से प्रूफ कर दिया। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि A1 इज इक्वल टू माइनस A2। तो जो चीज़ें दिख रही हैं वो यहाँ पे प्रूव हो गई मैथमेटिकली। तो ये होता है क्या बेसिकली, देखिए इसमें जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ अननोन बढ़ जाते हैं तो एक इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए या फिर एक अननोन कम होना चाहिए। तो एक दूसरे के एक्सेलरेशन को इस फॉर्मेट से लिख दें जब रिलेटिव मोशन मोशन टाइप का हो कि हमें आसानी पड़े, तो उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट था, इस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए जाएंगे जो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं उसमें। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए और कॉन्स्टेंट को और पुली के एग्जांपल दोनों को समझने की कोशिश करिए। दोनों ही अपने बहुत ही बेहतरीन तरीका है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और NLM का कह दिया जाए तो यह एक सेंटर होता है जिसपे बहुत से क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और आपके NCERT में भी मिल जाएंगे। थैंक यू।